अस्सलामु अलैकुम। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में एलिमेंट्री स्कूल टीचर ESTs मेल्स और फीमेल्स की जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आपके पास कोई भी बैचलर्स की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में है देन आप इन जॉब्स में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट गाइडलाइंस के साथ बताएंगे कि किस तरीके से आपने अपना कैंडिडेट पोर्टल अकाउंट क्रिएट करना है ESTs पर, और इसके साथ साथ आपने अपनी प्रोफाइल किस तरीके से कम्प्लीट करनी है और आपने सबमिट किस तरीके से अपनी एप्लीकेशन को करना है। इन तमाम सवाल के जवाब इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके से एक हमें रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये हमारा बेसिकली सेकंड पार्ट है वीडियो का। अगर आपने हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा जिसमें हमने ये वाली एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट डिटेल में शेयर की है कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है, कौन कौन से प्रोग्राम में कितने परसेंट कोटा है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट अप्लाई के प्रोसेस से पहले आप हमारी ये वाली वीडियो लास्ट में देख लीजिएगा जिसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम एडवर्टाइजमेंट कवर नहीं करेंगे, आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइडलाइंस के साथ बताऊंगा कि किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपने सिंपली अपने क्रोम ब्राउजर पर आ जाना है और आपने लिख देना है यहाँ पे सिंपली tech.fbisc.edu.pk-est/login। इंशाल्लाह इसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा अप्लाई नाउ के बटन के नीचे ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। अप्लाई का प्रोसेस बहुत आसान है, आपने किसी को भी पैसे दे के अप्लाई नहीं करवाना, आपने खुद से अप्लाई करना है। किस तरीके से आपने अप्लाई करना है इंशाल्लाह A to Z तक बताऊंगा, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आई रिपीट इट अगेन, आपने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एलिमेंट्री स्कूल टीचर, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और फी सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो 19/9/2024 से पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप इनका व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हैं आपने सिंपली ज्वाइन नाउ के बटन पर दबाएंगे। जैसे ही आप ज्वाइन नाउ के बटन पर दबाएंगे तो यहाँ पे ज्वाइन चैट आ जाएगा, आप इनका ऑफिशियली व्हाट्सएप चैनल या ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं इजीली, जहाँ पे आपको जो भी फर्दर अपडेट्स वगैरह मिलेगी वो ये इन्होंने एक बहुत अच्छा फीचर लॉन्च किया है अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन कि इससे सब कैंडिडेट्स की बहुत ज़्यादा मदद होगी। उसके बाद अगर आपका यहाँ पे अकाउंट बना हुआ है तो सबसे पहले ठीक है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है डू यू हैव एन अकाउंट रजिस्टर्ड हेयर, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है आपने सिंपली एक रजिस्टर्ड हेयर वाले बटन पर दबा देना। रजिस्टर्ड हेयर वाले बटन पर दबाने के बाद यहाँ पे मेरी जो प्रोफाइल बनी हुई है मैं सबसे पहले अपनी जो प्रोफाइल है वो से कर देता हूँ लॉग आउट। ठीक है, यहाँ से जो मैंने अपनी प्रोफाइल ओपन की हुई यहाँ से मैं कर देता हूँ इस प्रोफाइल को लॉग आउट। यहाँ पे सिंपली हम क्रिएट प्रोफाइल पे आ जाते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपने सिंपली ये रजिस्टर्ड हेयर वाले बटन पर दबाएंगे तो इस तरीके का आपके पास रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने अपना मुकम्मल नाम, उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस, देन उसके बाद आपने पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड देखें। ठीक है, आपने जो पासवर्ड डालना है यहाँ पे आपने छोटी ABC और बड़ी ABC डालना है। जैसे अभी दोनों चीज़ें कर लेंगे देन आप सिंपली रजिस्टर्ड वाले बटन पर दबाएंगे। रजिस्टर्ड वाले बटन पर दबाने के बाद यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एलिमेंट्री स्कूल टीचर, यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक आ रही है, यहाँ पे फी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे जब आपकी प्रोफाइल सबमिट हो जाएगी उसके बाद आपके पास चलान आएगा, चलान पे करने के बाद आपके यहाँ पर ही आपको स्टेटस आपका शो होगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपने आ जाना क्रिएट प्रोफाइल पर। क्रिएट प्रोफाइल वाले जैसे आप बटन पर दबाएंगे तो इनकी ऑफिशियली एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है जो कि 14वें स्केल की जॉब के लिए। यहाँ पे मेरा नाम ऑलरेडी आ रहा है उमर अली, मैंने अपने वाले साहब का नाम यहाँ पे एंटर कर दूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं अपना एक्टिव जो मेरा ईमेल एड्रेस है वो ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है हमारे पास आ रहा है हमारा ईमेल एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास इन्होंने कहा कि आप अपना CNIC नंबर एंटर करें, CNIC नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करें, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पे आपने आ जाना है अपनी जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो आपने वो यहाँ पे एंटर कर लेनी इस तरीके से। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद आप शादीशुदा है या सिंगल है आप एंटर कर देंगे, आपका कौन सा मजहब है आप एंटर करेंगे, एरिया ऑफ डोमिसाइल ऑफ आपका कौन से कोटा का है, मेरा फॉर एग्जांपल सिंध रूलर का है तो मैं यहाँ पे वो कर दूंगा। डिसेबल पर्सन में अगर आप आते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं आते तो आपने सिंपली नो कर देना है। नो करने के बाद यहाँ पे जेंडर मेल या फीमेल आप जो भी आप एंटर कर देंगे, उसके बाद आप कौन से सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरी जो डिग्री है कंप्यूटर साइंस की तो मैं कंप्यूटर साइंस से अप्लाई करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखें मेरे पास ऑलरेडी मेल भी यहाँ पे आ चुके हैं और मेरे पास ये फील्ड जो है मैंने कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट कर ली है। ठीक है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने बताया कि एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल के लिए जो जॉब की अनाउंसमेंट की गई है कंप्यूटर साइंस के लिए 5 सीट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने इस चीज़ को कवर कर दिया। यहाँ पर
फिर उसके बाद करंट एड्रेस आ रहा है। करंट एड्रेस तो आपको कौन से सूबे में रह रहे, मैं रह रहा हूँ सिंध में, तो मैंने यहाँ पर सिंध सेलेक्ट कर लिया। डिस्ट्रिक्ट क्या है मेरा, मेरा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप ले लें हैदराबाद है, तो मैं यहाँ पर हैदराबाद इंटर कर देता हूँ। हैदराबाद इंटर करने के बाद यहाँ पर सिटी मेरे पास अगेन आ रहा है, तो मैं यहाँ पर अगेन हैदराबाद इंटर कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास अभी हैदराबाद आ जाएगा। हैदराबाद आने के बाद यहाँ पे ये आ चुका है मेरे पास हैदराबाद। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो भी मेरा पोस्टल एड्रेस है ना, मैं वो यहाँ पे अपना एंटर कर दूँगा। ठीक है, आपके पास जो भी आपका पोस्टल एड्रेस वगैरह हो, आप यहाँ पे अपना वो एंटर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, पोस्टल एड्रेस एंटर करने के बाद आपने सिंपली इसे नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस इन ईयर, आपने सिंपली इन ईयर में लिख देना है कि आपके पास गवर्नमेंट इदारे में कितने साल का एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 साल गया, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा। सेमी गवर्नमेंट इदारे में कितने का है, फॉर एग्जाम्पल 1 साल गया तो वो कर दिया। प्राइवेट इदारे में आपके पास कितने साल का, आपने सिंपली कर दिया 5। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सब इदारों में आपके पास एक्सपीरियंस हो, अगर आप किसी इदारे में अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी, आप इसे 0 छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। NOC का मतलब है कि अगर अभी आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे। ठीक है, फॉर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब जो भी मेरे बहन भाई करंटली गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर उनकी एज 25 साल के अंदर या 30 साल के अंदर इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वो NOC के लिए प्रॉपर अप्लाई करेंगे, जो कि आपकी NOC चेक होगी एट द टाइम ऑफ टेस्ट और इंटरव्यू, लास्ट में आपकी NOC चेक होगी। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप सिंपली यस कर देंगे, अगर आप नहीं हैं तो आपने इसे नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है अकेडमिक क्वालिफिकेशन। अकेडमिक क्वालिफिकेशन में सबसे पहले यहाँ पे SSC इंटरमीडिएट मैट्रिक आ रहा है। मैट्रिक आपने कौन से साल में मुकम्मल की, कैलेंडर से आपने डेट सेलेक्ट कर लेनी है जो कि आपकी मार्कशीट के ऊपर हो। मेजर सब्जेक्ट्स क्या आते हैं, मेरा साइंस है तो मैंने यहाँ पे साइंस इंटर कर दिया। कितनी परसेंटेज आई है मेरी और मैंने कौन से बोर्ड से की है, आपने सिंपली अपने बोर्ड का नाम यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपने इंटरमीडिएट कौन से साल में मुकम्मल किया, वो एंटर करेंगे। सिलेक्ट ऑप्शन आपने FA किया, FSC किया, मैंने किया FSC तो मैं FSC लिख दिया। FSC करने के बाद मेरी यहाँ पर कितनी परसेंटेज आई है, मैं वो यहाँ पर एंटर कर दूँगा, और मैंने कौन सी बोर्ड से की है मैं वो यहाँ पर एंटर करूँगा। फिर 24 साल का अगर मैंने किया MA MSc, 16 साल की अगर मैंने डिग्री की है, तो मैंने कब कौन से साल में मुकम्मल किए मैं वो एंटर कर दूंगा। सिलेक्ट ऑप्शन मैंने कंप्यूटर साइंस में की तो मैं कंप्यूटर साइंस कर दूंगा। यहाँ पे देखें यूनिवर्सिटीज़ में CGPA सिस्टम और परसेंटेज सिस्टम दोनों ही होता है। अगर किसी को CGPA नहीं, अगर किसी की यूनिवर्सिटी में CGPA सिस्टम है, तो वो CGPA की मदद से अपनी परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकता है। आपने सिंपल यहाँ पर अपनी परसेंटेज एंटर करनी है और उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद अगर आपने मास्टर से MPhil किए तो आपने कौन से साल में मुकम्मल किया आपने वो एंटर कर देना है। आपने कौन से प्रोग्राम में किए, कौन से कोर्स में किया वो एंटर करेंगे। कितनी परसेंटेज आई है आपकी और यहाँ पे आपने कौन से इदारे से किया वो कर देंगे। इसी तरीके से अगर आपने PhD की है अदर्स में, फॉर एग्जांपल की बात कीजिए, तो अगर आपने कोई भी DIT या CIT का कोर्स किया हुआ है, तो आपने सिंपली कौन सी तारीख पर मुकम्मल किया आपने वो कोर्स आप वो एंटर कर देंगे। इसके बाद मेजर कोर्स आपने, फॉर एग्जांपल उस कोर्स का नाम मैंने किया DIT CIT या फ्रीलांसिंग, वेब डेवलपमेंट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑटो कोड, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, रिसर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गेस्ट पोस्टिंग, एक्सेट्रा, जो भी हमारे पास स्किल्स है आपने जिस फील्ड में भी किया आपने वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। कितने आपके पास उसके मार्क्स आए आप वो उतने उसके परसेंटेज निकाल देंगे। उसके बाद कौन से इदारे ने आपको वो सर्टिफिकेट इशू किया है, आप सिंपली वो यहाँ पे लिख देंगे उस इदारे का नाम। ठीक है, ये उस इदारे का नाम यहाँ पे आप लिखने के बाद सिंपली ये करेंगे, और उसके बाद आपने सिंपली सबमिट एप्लीकेशन वाले बटन पर दबा देंगे और जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। ठीक है, सबमिट होने के बाद आपके सामने सिंपली चलान आएगा। चलान आपने पेड कर देना है किसी भी बैंक के थ्रू या किसी के भी थ्रू। आपने चलान पे करने के बाद फाइनली आप जो है उस जॉब के लिए, जैसे ही आपका चलान आप पे कर देंगे उस बैंक में जो कि बैंक मेंशन होगी, उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो ऑलरेडी वेरीफाइड हो जाएगा। यहाँ पे योर स्टेटस भी यहाँ पे यस हो जाएगा, पेंडिंग में होगा या जो भी होगा, आपको यहाँ पे फर्दर अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो ये कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था जो कि मैंने आप सबको डिटेल में बता दिया है कि किस तरीके से आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में EST मतलब एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल और फीमेल की जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। उम्मीद करते हैं कि आपको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा। अगर आपको समझ ना आया हो तो आप हमारा कॉमेंट सेक्शन लाजमी यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहें और आप अगर हमसे अप्लाई करवाना चाहें, तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू कॉमेंट सेक्शन में आप उससे अपना मेरा नंबर भी व्हाट्सएप पर मांग सकते हैं, मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगा। अगर आप चाहे तो हमसे भी अप्लाई करवा सकते हैं। अप्लाई का प्रोसेस मुश्किल नहीं है, सबसे पहले आप खुद अप्लाई का प्रोसेस कोशिश करें। अगर आपको कोई ना कोई इशू आ रहा हो देन आप हमसे अप्लाई भी करवा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं अगेन से रिपीट करूंगा, आप हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट लास्ट में देख लीजिएगा। सबसे पहले आपके जो माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि एडवर्टाइजमेंट में हर एक चीज़ बता दी जाती है कि आपको कब फर्दर अपडेट्स दी जाएंगी,
कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ टेस्ट और इंटरव्यू। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।